गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरी अभी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो रही है ना, मैं अभी सो के उठी हूँ। मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ से आ टपके। ये देखो आते ही सो गए, बस नहा के हो गई मैं। फिर अब कर लेते हैं थोड़ा सा मेकअप, सुबह सुबह हो जाओ तैयार। क्या जाना तेरे प्यार को, अब मैं बिल्कुल हो गई हूँ रेडी। अब इसके बाद जाऊंगी मैं चाय बनाने, कि सुबह से मुझे चाय नहीं दी किसी ने। अकेले सब कुछ करना पड़ता है तो किसके हाथों में देखूंगी मैं। क्यों जाना तेरे प्यार को, दिल पर दिया हमने, तू बूंद का प्यासा था। पीते हैं चाय वाय। तो चलो जी, मैं तो हो गई रेडी। आज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हुआ है, ये तबीयत भी ठीक नहीं लग रही कुछ। अब जाके खाना मिला है मेरे को, आ जाओ आप भी खाना मिलेगा। फिर कपड़े धोऊंगी थोड़ी देर में, सूट सिलना है। हस्बैंड भी घर आए, उनको भी देखना है, बहुत काम पड़े हुए आज मुझे। तभी भी ठीक नहीं, थोड़ा टाइम कभी मिलेगा। हेलो, गुड इवनिंग। चाय का टाइम हो गया, सब लोग मैं चाय बना के पी रहे हैं। पीनी है आपने चाय? पीनी है चाय? तो बताते क्यों नहीं कि चाय पीनी है? आप दुश्मनों को पूछते हैं ऐसे कि चाय पीनी है, आप पीते नहीं हो, छोड़ देते हो। मैंने को कहा बोल, मैं छोड़ ही नहीं। आप बोले जा रहे थे, मैंने सोचा ड्रिंक की हुई है। मैंने कहा ड्रिंक की है, मेरे को नींद लगी है रात की। तो सुबह से सोए हो आप? तो वही तो बात है, रात की जब एक आधा घंटा भी सो जाए पर फ्रेश रहता है। सोया ही नहीं इतना रास्ता। बोलते जय माता, जय माता। पहले बनाती हूँ तो पीते नहीं, और जब बोलूँ कि पियोगे तो चाय पी के थोड़ी दिमाग में होश आए, वरना मेरा दिमाग तो डेड हो गया। धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो? बनाती हूँ, बना दी चाय, बना दी हस्बैंड के लिए चाय। दिमाग चौटे छोटे, ये लो अपने लिए चाय, ये रखी चाय। चाय दे रही हूँ आपको, रख दो। अरे तो रख दिए ना, गिर जाएगी। गिरने दूँ? गिरने दो। क्यों? जब कोई टच ही नहीं करेगा तो गिरेगी कैसे? ओके मैं को देखो सजन, बेईमान भवरा कैसे मुस्काए आए ऐसे। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, सुन लेती हूँ। बाप रे, बाहर का मौसम कितना सही है। खुद को मिटा दूं दुनिया से, ऐसे थोड़ी है। जी चाहता है खुद को मिटा दूं, मौत को अपने मैं गले से लगा लूं। क्या देख के शादी की थी मेरे? आप मेरे से खुश हो शादी करके? जी नहीं, जी चाहता। मैं नहीं हूँ खुश आपके साथ। जी चाहता। दांत मत निकालो। क्या था? पत्नी, बेगम, बीवी, ये चार चीजें कैसी हैं? परेशानी तो सारी है, नाम है, चेंज है। काम करने के लिए परेशानी तो एक है और नाम चेंज है। काम करो, पत्नी। काम करो वाइफ, बेगम,
काम नहीं करना, बस दिमाग चाटना है, पी लेनी शराब तो बस है। इतना सोच क्या, सोच सुंदर नारी बनाई, चेहरा बनाया, तभी तो बुढ़ा बल्ले पड़ा है मेरे, दिल बनाया, तो लास्ट इतनी लंबी जवान देखी की मेरा गर्क कर दिया। इतनी अच्छी लेडी पत्नी बनाई, सुंदर चेहरा बनाया, दिल बनाया, तो सारा कुछ बनाया, इतनी लंबी जवान देखी ये क्रम पर बुरा हाल कर दिया। पति भी तो सुंदर होना चाहिए, जरा देखो सजन क्या बोलते हैं डैम वाले, बसोली वाले, क्या बोलते हैं वो, बसोली एक मोटो थी, वो कहाँ है, कौन सी मोटो, जिसने की ओर खिलाया था, पता नहीं, मर गई, जिंदी है, क्यों जिंदा मारते हो किसी को, क्या करती है वो, कि क्या करती है, रोशू की शादी है, मेरी सिसिनला की शादी है, क्या नहीं है? आपको नहीं बुलाया किसी ने, सिसिनला की शादी है, कब जाओ 14 अप्रैल को है, नहीं आपको नहीं बुलाया किसी ने, आज बाहर आया, चलो देखते हैं, आपको बुलाया नहीं है, चाय पियो, चाय रख दी मैंने, क्या अपने नहीं ठुकाव के लिए जा रही है, आंखें भी नहीं खुलती, सुस्ती हो गई, काम कर लो कुछ, यहाँ बैठे बैठे आलू कितना फट जाओगे, फिर तो मेरे एक फ्रेंड को नहीं देखा होगा, हैप्पी को, क्या वो तो मेरे से 5 गुना मोटे है, नहीं तो काम कौन करेगा घर का, वो मेरे हाथ में लगी वो है, वो तो 5 गुना मोटे है, अच्छा उनका एक चीज ऐसे फैला फैल जाता है, ये चीज पूरे बेड में फैल जाती है, कैसे होगा, हे भगवान मैं कैसे जीऊंगी इस इंसान के साथ, पेट पूरा ऐसे फैल जाता तो मैं बोलूं ओ भी दारू पी चले आओ पुत्ती दारू गप्पा मारे जोर 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 मारे ना होगा ना करा अन्नी मारा क्या काम नहीं करना, अक्कल नहीं है, अच्छा, दांत कटने खरे, ज्योति मैं थोड़ा काम कर लूं, मैं ठहर के करता, अच्छा कोई नहीं हो क्यों पागलू जैसे हरकत क्यों कर रहे हो, भगवान इनका क्या होगा, पतिदेव जी क्या कर रहे हो, पतिदेव जी क्या कर रहे हो, अरे होनी है, बोलो क्या कर रहे हो, नहीं बोलना, क्यों पौवा नहीं मिला, टैग नहीं मिला लगाने के लिए, हैं क्या यार मेरी जिंदगी बिना, अरे अब खाना बनाती हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, मेरे हाथ में लगी, बोल रही हूँ आटा गूंद के दो, वो भी नहीं दे रहे, बार बार पजली हुई है ना, तो मतलब ज़्यादा सेक लगा हुआ है, तो वो पानी के साथ ना फिर वो पानी से निकल रहा है उसमें, कह रही आटा गूंद के दो, वो भी नहीं देते, क्या करूँ ऐसे इंसान का, मैं खुद ही करना पड़ेगा मेरे को कुछ, इतना सारा आटा मैं कैसे गूंदूँगी, रहा हाथ मेरा वैसे ही ख़राब हो रहा है।